ठीक है, चलो क्लास फर्स्ट में देखें। क्लास फर्स्ट में क्या होता है, जैसे इंट्रोडक्शन टू मॉडलिंग टूल, मॉडलिंग टूल क्या है, ठीक है, और फिर क्या सॉफ्टवेयर इंटरफेस क्या है, व्यूपोर्ट साइज एंड लेआउट, मेन्यूज एंड फाइल फॉर्मेट। तो पहले काम करते हैं, जैसे मुझे इसमें कोई काम करना है तो इंट्रोडक्शन टू मॉडलिंग। मॉडलिंग में क्या है, जैसे मैं यहाँ पर देखा, मुझे कोई भी चीज़ मॉडल करने के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले यहाँ पर कुछ ज्योमेट्री चाहिए। अब मुझे पहले ज्योमेट्री के बारे में बताओ तो मैं कोई चीज़ में काम कर सकता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया, सिंपल एक बॉक्स क्लिक किया, लेफ्ट क्लिक एंड राइट क्लिक यहाँ पे कर दिया। किसी भी चीज़ को लाइक ये मेरे पास व्यूपोर्ट है, व्यूपोर्ट को मैक्सिमाइज़ करना चाहूँ मैं यहाँ पे मैक्सिमाइज़ कर सकता हूँ। पे लास्ट बटन दिख रहा है टॉगल, बड़ा छोटा यहाँ पे मुझे कोई चीज़ क्रिएट करना है तो मैं पहले यहाँ पे फोन पे आके टॉप पे जाकर मैं क्रिएट कर रहा हूँ, 1 2 एंड लेफ्ट क्लिक करके 3 राइट क्लिक करोगे तो प्लस का साइन है, एक और आ जाएगा, देखो 1 क्लिक करोगे, 2 क्लिक करोगे एंड 3 क्लिक करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा। तो जब तक मैं चाहूँ कि मुझे इस ऑब्जेक्ट से बाहर निकलना है तो मुझे राइट क्लिक करना पड़ेगा ताकि मैं इस ऑब्जेक्ट से बाहर निकलूँ, नहीं तो मैं बार बार वही ऑब्जेक्ट क्रिएट करता रहूँगा। ठीक है, स्पेयर है, अभी कोई चीज़ अगर आपको ड्रॉ करना है तो टेक्निकली आप करो तो ड्रॉ टॉप में करो स्टार्टिंग में, जब भी कोई नया सॉफ्टवेयर सीखते हो तो उसमें काम आता है। ट्यूब है, ट्यूब को 1 क्लिक, 2 क्लिक यहाँ पे देखो यहाँ पे एंड राइट क्लिक यहाँ पे, तो ऐसे करके, या जब थोड़ा सा फ्रेंडली हो जाओ तो आप यहाँ पे जैसे टी पॉट है, टी पॉट आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो, पर्सपेक्टिव में भी क्लिक कर सकते हो। तो पहले हमें टॉप और पर्सपेक्टिव इन पर ही हमें काम करना है कि कैसे क्या काम कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे हैंडल कैसे करें ये भी देखना है क्या। तो मॉडलिंग के मेरे टूल्स ये हैं, तो सबसे पहले क्या इन टूल्स को समझ जाओ यहाँ पे। ठीक है, कि मैं ज्योमेट्री मुझे मिल गया यहाँ पे, मॉडलिंग मैं कैसे कर सकता हूँ, मॉडलिंग करने के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा, वो हम लोग अभी आगे देखेंगे। जैसे मुझे कोई चीज़ को मुझे मॉडिफाई करना है, तो किसी चीज़ को मॉडिफाई करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ तो मैं आपको बताऊँगा। जैसे यहाँ पे मैक्सिमाइज किया यहाँ पे मैंने, यहाँ पे तो यहाँ पे मैंने क्या किया, F3 F34 वायर फ्रेम, F4 सरफेस। ठीक है, F3 वायर फ्रेम, F4 सरफेस। अभी यहाँ पे सरफेस पर F4 प्रेस करोगे तो आपको सरफेस प्लस वायर फ्रेम। ठीक है, F3 एक बार प्रेस करो वायर फ्रेम, F3 फिर से प्रेस करो तो आपके क्या हो, सरफेस। ठीक है, सरफेस पे वायर फ्रेम चाहिए तो F4 प्रेस कर दो, तो ये दोनों बटन का यूज़ पता चल जाएगा यहाँ पे। अभी क्या करना है, मेरे पास कुछ ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री के बारे में मुझे पता चला ज्योमेट्री क्या है। अभी हम लोग यहाँ पे काम करते हैं, जैसे मैं कोई भी सॉफ्टवेयर जब स्टार्ट करता हूँ तो मुझे यूआई के बारे में जानना जरूरी होता है। यूआई मैंने जैसे थोड़ा सा पहले भी एक्सप्लेन किया, ठीक है, थोड़ा सा एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अनटाइटल ऑटोडेस्क 3ds मैक्स है यहाँ पे, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइटल बार ऊपर, फाइल एडिट टूल ग्रुप्स, ये डेट इज़ कॉल्ड मेन मेन्यू, ये मेन मेन्यू हो जाता है क्या। टूल्स हैं, टूल्स अगर मैं देखूँ ये सारे टूल्स ही हैं, ऊपर से नीचे देखो सारे ये वाला मेन्यू टूल ही है। टूल का मतलब लाइक क्या काम करता है, जैसे मैंने सेलेक्ट किया ऑब्जेक्ट को, राइट क्लिक एंड मूव कर दिया, ये मूव बटन यहाँ पे भी है, यहाँ पे जाओगे रोटेट बटन, रोटेट भी दिखेगा, स्केल पे जाओगे स्केल भी दिखेगा। अभी मुझे यहाँ पे क्या करना है, कोई भी काम करना है, तो जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, मेरे पास स्पेयर है, स्पेयर को मुझे मूव करना है, कहाँ से मूव करूँ, देखो मैं आपको पहले चार व्यू में दिखाता हूँ यहाँ पे। अभी टॉप व्यू में जाता हूँ, टॉप व्यू में मैंने इसको यहाँ से यहाँ मूव किया, ये ईजी है समझने के लिए। ठीक है, टॉप से मैं मूव करो, यहाँ से मूव करो, ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे आएगा। ठीक है, आपको एक्स पे करना है, एपेक्स मूव कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे देखो यहाँ पे वाई पे मूव करो, वाई पे मूव कर सकते हो आप यहाँ पे। तो ये पार्ट आपको यहाँ पे पता चलेगा क्या कैसे मैनेज करना है, मूव का पार्ट आपके यहाँ पे। दूसरी बात, अगर मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट लिया मैंने यहाँ पे, सपोज़ ये एक ऑब्जेक्ट मैंने लिया यहाँ पे, ठीक है, कौन लिया मैंने यहाँ पे, राइट क्लिक एंड यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे आइसोलेशन सिलेक्शन कर दिया मैंने, ये ऑब्जेक्ट है। मूव पता है, यहाँ पे एक ऑप्शन आपका रोटेशन है, रोटेशन आप यहाँ से रोटेशन दे सकते हो, तो लाइक यहाँ पे ये रोटेशन आप कैसे रोटेशन दे रहे हो, कैसे मैनेज कर रहे हो आप यहाँ पे। ठीक है, राइट क्लिक कर दो आप यहाँ पे, तो चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, ये मैनेज दिख रहा है यहाँ पे, ये देखो कैसे रोटेशन जा रहा है ओके, तो हम लोग मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे, इसको देखो यहाँ पे ये रोटेशन आ रहा है, तो यहाँ से रोटेशन करना, यहाँ से रोटेशन करो, वापस इस पर राइट क्लिक करके नीचे 0 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को रोटेट करने के लिए मेरे पास ये टूल है यहाँ पे, ठीक है, सिलेक्ट एंड रोटेट। स्केल अगर मैं करता हूँ यहाँ पे, यहाँ देखो मेरे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, सपोज मैंने यहाँ पे क्या किया, टीपॉट लिया और मैंने यहाँ पे क्या किया, आइसोलेशन कर दिया यहाँ पे। स्केलिंग है, स्केलिंग का बटन प्रेस करो, स्केल में आपको क्या है मैक्सिमाइज करना है, व्यूपोर्ट को यहाँ तक क्लिक करो, जेट पे स्केल करो, देखो स्केल आपको दिख रहा है यहाँ पे स्केलिंग कैसा हुआ, जेट पे स्केल करोगे ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हैं यहाँ पे, एक्स पे स्केल करो, ठीक है, वाई पे स्केल करो, ठीक है, ये चीज़ ऐसे मैनेज करके दिखा सकते हो। इसी को अगर मैं की देना चाहूँ, जैसे मैंने ऑटो की यहाँ पे ऑन कर दिया, ऑटो की करने के बाद यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसके मैंने अप कर दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे एनिमेशन आ गया यहाँ पे, देखो यहाँ पे। अभी यहाँ पे मैं अगर करूँ, जैसे मैं 50 पे गया, 50 पे मैंने अप कर दिया यहाँ पे, या 25 पे गया, 25 पे गया यहाँ पे, ये मैंने अप कर दिया यहाँ पे, फिर 50 पे गए, 50 पे जाओ, इसको फिर मैंने डाउन कर दिया यहाँ पे, ठीक है, फिर यहाँ पे गया
75 पे गए, इसको मैंने अप कर दिया यहाँ पे, ठीक है, 100 पे गए, डाउन कर दिया यहाँ पे। तो एक छोटा सा एनिमेशन भी दे दिया हम लोगों ने यहाँ पे कि भाई एनिमेशन में कैसे दे सकते हैं आप, देखो यहाँ पर, ठीक है। तो ऑटो के थ्रू हम लोग यहाँ पे छोटा सा एनिमेशन भी दे सकते हैं। तो टूल्स क्लियर हुए मेरे पास यहाँ पे। टूल्स में क्या है, टूल्स में बहुत सी चीज़ें हैं, लाइक जैसे यहाँ पे क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, राइट क्लिक अनहाइड ऑल कर देते हैं, ठीक है, ये एंड एज रिलेशन कर देते हैं, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, सेलेक्ट कर दिया, डब्ल्यू प्रेस किया, डब्ल्यू मतलब मूव, मैं इसको यहाँ से एक प्लेस इधर लेके आता हूँ, मैंने यहाँ पे एक बटन प्रेस किया, अंडू, अंडू मतलब वापस उस जगह पहुँच गया, रीडू, ठीक है, अंडू रीडू आपके यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कि कोई चीज़ हमें पहले करना है तो कैसे कर सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑप्शन देखो, यहाँ पे रेक्टेंगल दिख रहा है, रेक्टेंगल में देखो सिलेक्शन में कैसा रेक्टेंगल दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे लेफ्ट क्लिक किया, यहाँ पे सर्कल पे आ गया, यहाँ पे अभी सर्कुलर हो गया यहाँ पे, ठीक है, मुझे सर्कुलर सेलेक्ट करना तो सर्कुलर सेलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करोगे आप यहाँ पे तो आपको यहाँ पे कुछ अलग भी देखेगा, यहाँ पे देखो फोटोशॉप, अगर आपको याद हो तो फोटोशॉप में हम लोग ऐसे कुछ सिलेक्शन करते थे तो वो टूल भी मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो आप टूल्स देखो यहाँ पे, तो फ्रेंड्स सिलेक्शन टूल है, रीजन है यहाँ पे, ठीक है, इसके बाद मेरे पास एक और भी है, ठीक है। यहाँ पे देखोगे आप यहाँ पे लेसो टूल, लेसो टूल आपको आराम से याद होगा, जैसे मुझे यहाँ पे कोई चीज़ सेलेक्ट करना है तो मैं ऐसे सेलेक्ट कर सकता हूँ, एज यू विश कैसे आपको सिलेक्शन करना है, ठीक है। यहाँ पे आपका सिंपल स्प्रे जैसे दिख रहा है कि पेंट सिलेक्शन रीजन, ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये मैं सिंपल लेफ्ट क्लिक करके मैं ऐसे भी सिलेक्शन करके दिखा सकता हूँ यहाँ पे। तो ये मेरा पार्ट यहाँ पे आ जाएगा कि मैं यहाँ पे सिलेक्शन कैसे कर सकता हूँ, सिलेक्शन करने का मेरे यहाँ पे पार्ट आएगा। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे मेरे पास क्या है, ज्योमेट्री है, ऑल का मतलब सब कुछ यहाँ पे दिख रहा है। मैंने यहाँ पे क्या किया, दो तीन चीज़ बना लेता हूँ, दो तीन चीज़ बनाने का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे क्या है, ये आपका क्या है, सिंपल वर्ड ज्योमेट्री, इसके बगल में क्या है, शेप्स है यहाँ पे, ठीक है। शेप्स में यहाँ पे क्या करता हूँ, शेप्स में यहाँ पे ट्रक के यहाँ पे रेक्टेंगल, ठीक है, सर्कल ड्रॉ करते हैं। शेप्स का मतलब टू डी, टू डायमेंशन, ये आपका क्या है, थ्री डी, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैंने क्या किया, ज्योमेट्री किया, ज्योमेट्री करने मैं वापस सेलेक्ट करता हूँ पूरा, जैसे मुझे यहाँ सेलेक्ट करने के लिए मैं वापस यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे स्प्रे को चेंज करता हूँ, रेक्टेंगल कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने क्लिक एंड ड्रैग किया तो सिर्फ मेरा ज्योमेट्री सेलेक्ट हुआ, ये सिलेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे इसने बताया कि वो ज्योमेट्री है। सपोज मैं यहाँ पे लाइट यूज़ कर लेता हूँ, यहाँ पे लाइट में यहाँ पे गया, सिंपल बात स्टैंडर्ड में गया, मैंने लाइक ओमनी लाइट लगा दी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे टारगेट स्पॉट लाइट लगा दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, ये सब मैंने लगा दिया। अभी यहाँ पे मैं लाइट भी है, मैं लाइट सेलेक्ट करता हूँ तो सिर्फ लाइट ही सेलेक्ट होगा, बाकी कुछ सेलेक्ट नहीं होगा। तो इसका ये पार्ट आपका यहाँ पे समझ में आएगा। कैमरा है, अगर सपोज मैंने यहाँ पे कैमरा लगा दिया, यहाँ पे कैमरे में यहाँ पे क्या करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे सिंपल सेलेक्ट कर दिया, कंट्रोल सी कर दिया तो कैमरा लग गया, पी फॉर परस्पेक्टिव, वापस कैमरा देखेगा, यहाँ पे जेड प्रेस कर, देखो कैमरा देख रहे हैं यहाँ पे, जेड फॉर जूम, ठीक है, ये कैमरा देख रहे हैं आपके पास यहाँ पे। इसके बाद अगर मैं कहूँ ये मुझे कैमरा अगर लगाना है तो मैं ऐसे यहाँ से भी कैमरा लगा सकता हूँ, कैमरा में गए, टारगेट, टारगेट पे गए, टॉप से आ गए, अपने ऐसे कैमरा लगा दिया यहाँ पे, ये आपका कैमरा हो गया, जेड फॉर जूम करो कैमरा। तो अभी सिलेक्शन आपको कैमरा ही करना, तो सिर्फ कैमरा ही सिलेक्ट होगा, इसके सिवा और कुछ सिलेक्ट नहीं होने वाला। तो ये पार्ट आपको थोड़ा सा आइडिया मिलना चाहिए, मैं अगर यहाँ पे कोई भी काम करता हूँ तो कैसे करता हूँ, ठीक है। इसी में जैसे सिलेक्ट एंड लिंक है, अनलिंक है, ये हम लोग अभी आगे करेंगे, ठीक है, बाइंड टू स्पेस ट्रैप है, ये हम लोग अभी आगे करेंगे, जो अभी नॉर्मल अभी जो देख सकते हैं, जो ईजिली समझ में आए, सिलेक्ट बाई नेम, यहाँ देखो यहाँ पे, अभी यहाँ पे सिलेक्ट बाई नेम यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, यहाँ देखो यहाँ पे कुछ चीज़ दिख रही है मुझे, यहाँ पे ये पार्ट अगर मैं देखूँ यहाँ पे, अभी सपोज मैंने यहाँ पे क्या किया, ट्यूब टी यू टाइप करते हैं बाहर बी ई, तो मैं यहाँ पे नाम से भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, मुझे अगर नाम पता है, जैसे मान लो सपोज मैंने एक का नाम रख दिया, जैसे मैंने इसका नाम रख दिया, यहाँ पे गए ऑल कर दिया मैंने, यहाँ पे मैंने टी पॉट का नाम मैंने नेमिंग कर दिया, मॉडिफाई में गया, मैंने इसका नाम रख दिया ए, ठीक है। अभी यहाँ पे गए सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे मैंने टाइप किया ए, ए आ गया, मैं ऐसे सिलेक्ट कर सकता हूँ, तो ए सिलेक्ट हो गया, तो सिलेक्शन का पार्ट मुझे यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। तो ये सिलेक्ट पे ऑब्जेक्ट के लिए हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ देखो यहाँ पे ये हमने किया। इसके बाद यहाँ पे देखें ये पार्ट में रिस्पॉन्स है, यहाँ पे सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे क्लिक किया मैंने यहाँ पे, ठीक है, ये देखो सेलेक्ट करने के लिए, ये सिर्फ सेलेक्ट ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे क्या सेलेक्ट बाय नेम, ये हमने देख लिया, ठीक है। यहाँ पे क्या विंडो और क्रॉसिंग कर दिया, विंडो क्रॉसिंग क्या होता है देखो यहाँ पे, अगर मैं दिखाऊँ, जैसे मैं बस ये फ्रंट व्यू है, समझना है बहुत अच्छा है। अभी यहाँ पे मैं ये देखो विंडो एंड क्रॉसिंग है, ठीक है, मैंने क्लिक किया, देखो यहाँ से मैं इतना सेलेक्ट कर रहा हूँ, मैं बस कैमरा देख रहे हैं, मैंने अभी फॉर टाइमिंग ज्योमेट्री करता हूँ, ज्योमेट्री में आ गया यहाँ पे, सिलेक्शन करना, सिलेक्शन करते कैसे देखो यहाँ पे, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ऐसे सिलेक्ट हो रहा है, ठीक है, मैं अभी यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे अभी सिलेक्ट नहीं हो रहा, ठीक है ना, भाई इसका मतलब जब तक मैं सेंटर में लेके नहीं जाऊँगा तब तक सिलेक्ट नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे क्लिक कर दिया मैंने यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे कॉर्नर पे, तो कॉर्नर पे सिलेक्ट हो जाएगा। इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो विंडो एंड क्रॉसिंग का पार्ट यही हो जाता है कि आपने यहाँ पे विंडो में किया तो यहाँ पे पूरा बीच में आपको रखना पड़ेगा,
स्पेयर है तो ऐसे सेलेक्ट करूँ तभी होगा, मैं अगर ऐसे सेलेक्ट करूँ तो नहीं होगा, ठीक है, नहीं सेलेक्ट हो रहा तो मुझे पूरा करना पड़ेगा। अगर मुझे नहीं ऐसे नहीं ऐसे चाहिए मुझे यहाँ पे क्रॉसिंग पे, तो यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे इतना सेलेक्ट करूँ तो भी सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कुछ कुछ टूल्स हैं, यहाँ पे मैंने आपको मूव बता दिया, रोटेट बता दिया, स्केल बता दिया। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है सेलेक्ट एंड प्लेस, सेलेक्ट एंड प्लेस का पार्ट अगर मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे परस्पेक्टिव पे गए यहाँ पे, ठीक है, जेड फॉर जूम, ठीक है, यहाँ पे गए मैंने सेलेक्ट कर दिया, मैंने मूव कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अभी सेलेक्ट एंड प्लेस यहाँ पे अगर मैं देखूँ, यहाँ पे मैं क्या किया मैंने, यहाँ पे देखो यहाँ पे अभी मैं पे थोड़ा सा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर दिया मैंने, ठीक है, सेलेक्ट एंड प्लेस यहाँ पे काम होगा क्या, देखो यहाँ पे देखना, यहाँ पे सेलेक्ट कर देगा मैंने, देखो मैं टीपॉट पे, टीपॉट के ऊपर प्लेस हो रहा है यहाँ पे क्या, तो ये मेरा काम यहाँ पे आएगा, जिसको मैं चीज़ को मैं ऐसे मैं मैनेज कर सकता हूँ। सेलेक्ट करके लेफ्ट माउस बटन प्रेस कर रखा मैं, इसके साथ मैं आप इसको ऐसे प्लेस करके दिखा सकता हूँ, ठीक है। ये मेरा पार्ट यहाँ पे देख जाएगा, यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ हम लोग यहाँ पे देखेंगे, जैसे देखो चीज़ें कैसे लोकल पे आया था, लोकल पे आया, ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया वर्ल्ड पे किया था, वर्ल्ड पे देखो वर्ल्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पे डील करेगा हमें ये, ठीक है ना, तो वो एक्सेस हम लोग यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसी में एक क्वेश्चन आता है लोकल क्या है और वर्ल्ड क्या है, जैसे देखो यहाँ पे स्टैंडर्ड पे गए, यहाँ पे मैंने बॉक्स लिया, बॉक्स यहाँ पे मैंने ऐसे ऐसे ड्रॉ कर दिया, ठीक है, डब्ल्यू प्रेस कर दिया, ऑल्ट क्यों कर लिया यहाँ पे, अभी मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर रखा है, ये मेरे पास क्या है सिंपल सा पार्ट व्यू, यहाँ देखो यहाँ पे व्यू है, वर्ल्ड है, स्क्रीन देखिए ना भाई, स्क्रीन में कुछ चेंज हुआ, जैसे स्क्रीन को वैसे स्क्रीन के अकॉर्डिंग हो जाए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने किया लोकल, लोकल में देखो कुछ खास नज़र नहीं आएगा, लेकिन जब मैं इसे रोटेशन दूंगा यहाँ पे, रोटेशन मैंने ऐसे दे दिया, अभी मैं डब्ल्यू प्रेस करता हूँ तो लोकल कैसे दिख रहा है इस ऑब्जेक्ट के एक्सिस के अकॉर्डिंग, यहाँ देखो यहाँ पे क्या व्यू देखो ऐसे, ठीक है। यहाँ पे आप वर्ल्ड देखो, यहाँ पे वर्ल्ड आप ऐसे देखिए, यहाँ पे वर्ल्ड एंड लोकल ये आपको डिफरेंस करता है, ठीक है। लोकल पे जैसे रोटेशन दिया वैसे पे देखिएगा, और वर्ल्ड पे आपका चाहे कैसे भी रोटेशन दो यूनिवर्सल ऐसे देखिएगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस हो जाता है आपके पास यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर मैं देखूँ यहाँ पे चीज़ों को मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करूँ, यहाँ पे मैं देखूँ यहाँ पे कई चीज़ ऐसे दिख रहा है कि मेरे पास प्राइवेट है, प्राइवेट कहाँ पे चीज़ों को मैनेज करने के लिए, यहाँ पे देखो यहाँ पे कहाँ गया प्राइवेट कहाँ पे, देखो पहले वहाँ पे था, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे तीन ऑप्शन दिख रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करके देखो यहाँ पे लास्ट पे गए हम लोग, यहाँ पे मिला सेकंड पे, यहाँ पे आ गए सेंटर पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे गए तो ये पार्ट में बस यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो अगर मैं प्राइवेट है, यूज़ प्राइवेट पॉइंट सेंटर, ठीक है, यहाँ देखो फर्स्ट पे गए क्लिक कर दिया मैंने, यहाँ पे ऐसा कुछ आ रहा है, सेकंड पे गए सेंटर पे, देखो यहाँ पे ये देखना यहाँ पे, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैं भाई ग्रिड पे लेके आना तो ग्रिड पे यहाँ पे चला जाएगा, यूज ट्रांसफॉर्म कोऑर्डिनेट सेंटर, तो यहाँ से प्राइवेट पॉइंट भी यहाँ पे मैं मैनेज कर सकता यहाँ पे, ठीक है। सेलेक्ट एंड मैनिपुलेट, यहाँ पे सेलेक्ट एंड मैनिपुलेट, यहाँ देखना सेलेक्ट एंड मैनिपुलेट में आपको ये काम आपका दिख रहा है, जैसे मैं तो ऐसा इसको मैं मैनेज करता हूँ, पहले इसको मैं इसके अकॉर्डिंग लेके आ जाता हूँ, भाई मुझे यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट पे चाहिए, और मैंने यहाँ पे कर दिया यहाँ पे सेलेक्ट एंड मैनिपुलेट, यहाँ पे मैनिपुलेट में यहाँ पे क्या काम कर सकता हूँ, सेलेक्ट करके मैं इसे थोड़ा कैसे मैनिपुलेट इधर उधर लेके जाना, तो मैं ऐसे करके मैं मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है। कुछ कुछ ऐसा कुछ काम कर, कीबोर्ड शॉर्टकट है मेरे पास यहाँ पे, कीबोर्ड शॉर्टकट अगर मेरे पास यहाँ पे काम करता है, जैसे मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो यहाँ पे ये कई बार मैं कीबोर्ड शॉर्टकट में ये वर्क करना नहीं करना, उसके लिए मैं ये चीज़ें मैनेज करता है क्या, कि मैं अपने चीज़ों को अगर मैं शॉर्टकट में यूज़ करना चाहूँ तो डब्ल्यू ई आर काम कर रहा है, कुछ ऐसे मैं बस यहाँ पे काम कर रहा हूँ, क्लिक करोगे यहाँ पे तो सारे कीबोर्ड के शॉर्टकट्स यहाँ पे गिवन होंगे, या आप असाइन कर सकते हो यहाँ पे, जैसे देखो यहाँ पे कुछ कुछ असाइन है, जैसे देखिए ना कंट्रोल आई पे दे रखा है, तो आपको लगता है कुछ और असाइन करना तो आप यहाँ पे टाइप कर दोगे तो आपका असाइन हो जाएगा आपके यहाँ पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे ऐसा कुछ पार्ट आपके पास यहाँ पे देखा, तो सारे कीबोर्ड्स के शॉर्टकट आपके पास यहाँ पे, अदरवाइज जैसे आपको कोई भी चीज़ आपको दिखाना है कि आपने यहाँ पे दिखाया भाई मुझे यहाँ पे कोई भी चीज़ सपोज दिखा यहाँ पे जेड जूम करने के लिए, ठीक है, तो शॉर्टकट चाहिए आप यहाँ पे शॉर्टकट थोड़ा सा देख लेना पढ़ लेना, यहाँ पे आइडिया मिल जाएगा आपको यहाँ पे कैसे क्या क्या काम करोगे, ओके। यहाँ पे मैं काम करता हूँ, यहाँ पे मुझे क्या मिलता है स्नैप टॉगल, ठीक है। स्नैप टॉगल में क्या काम करने वाले हैं यहाँ पे, यहाँ पे स्नैप टॉगल ये है, यहाँ पे आपका एंगल स्नैप टॉगल है, यहाँ पे आपका दूसरा परसेंटेज स्नैप टॉगल है, ठीक है, यहाँ पे आपका तो स्पिनर स्नैप टॉगल है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सब कुछ यहाँ पे जिसको हम लोग वन बाय वन करके देखेंगे भाई मेरे पास इससे किससे क्या क्या होता है, ठीक है। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे, मैंने अगर यहाँ पे क्या किया सिंपल सा पार्ट, मेरा एक मॉडल है, जैसे मैं इसको दो मैं थोड़ा देख लिया, यहाँ पे क्या करता हूँ सिंपल एक बॉक्स लेता हूँ पे, ठीक है, टॉप पे गए मैं ग्रिड के अकॉर्डिंग बॉक्स बनाता हूँ, ठीक है। जस्ट आई वॉन्ट कि मुझे यहाँ पे एक ऐसा बॉक्स चाहिए, तो मैंने एक ऐसा ड्रॉ किया, ऐसा ड्रॉ किया, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे क्या किया सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ पे देखो ग्रिड पॉइंट यहाँ पे ग्रिड लाइन यहाँ पे, ठीक है, ग्रिड पॉइंट पे मैं अगर मैंने इसे ऑन किया तो मुझे बॉक्स बनाने में आसानी होगी अब, ठीक है। तो ये समझोगे जैसे यहाँ पे देखो, ठीक है,
पहला कैसे बनाया, दूसरा कैसे बनाया। अभी देखो यहाँ पे मैं दो व्यू से दिखाता हूँ। यहाँ पे बॉक्स पे गए मैंने, यहाँ पे क्या किया, पहला फर्स्ट क्लिक यहाँ पे किया, ठीक है। दूसरा क्लिक में यहाँ देखो ऊपर दिख रहा है यहाँ पे, ये पार्ट में यहाँ से दिखा देता हूँ। लेफ्ट क्लिक कर दिया तो मेरे पास ऐसा कुछ पार्ट यहाँ पे दिख जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये पार्ट मेरे पास ऐसा है, तो मेरे पास स्नैप यहाँ पे हेल्प करने वाला है। इसको भी हम लोग अभी आराम से पढ़ेंगे, जस्ट थोड़ा सा आइडिया मिले, क्योंकि मैं इसका सेपरेट क्लास दूंगा, ठीक है। एंगल स्नैप है, एंगल स्नैप है, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने कहा इस बॉक्स को मैंने बड़ा कर दिया। सपोज मेरे पास ये बॉक्स है, इस बॉक्स को मैंने बड़ा कर दिया यहाँ पे, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, हाइट को मैंने बढ़ा दिया भाई, हाइट को मैंने कर दिया 50, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे क्या किया भाई, मुझे इसे रोटेशन देना है। रोटेशन देने पे क्या, तो कोई से मैं ऑफ करता हूँ पे रोटेशन में, कितने पे रोटेशन दे रहा हूँ यहाँ पे, ऐसे एंगल दिख रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ यहाँ पे मुझे ना 90 पे एकदम से हो जाए। राइट क्लिक करो यहाँ पे, एंगल पे गए 90, ठीक है। जब मैंने रोटेशन दिया तो ये देखो यहाँ पे ये ऑन है तब काम करेगा, क्लिक करो यहाँ पे देन रोटेशन दो तो एकदम 90 पे ये वर्क करता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या काम करना है, थोड़ा सा इस चीज़ को ऐसे मैनेज करना है कि कैसे क्या काम कर सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद हम लोग यहाँ पे परसेंटेज, यहाँ पे परसेंटेज में देखो तो कितनी परसेंटेज पे यहाँ पे काम करते हैं, सेम चीज़। अभी देखो यहाँ पे यही सेम स्नैप है, ऑप्शन है, होम ग्रिड है, ऑन ग्रिड, यूज ग्रिड यहाँ पे, ठीक है। ये क्लिक किया, इस पर राइट क्लिक करो तो क्या आ रहा है, स्नैप आ रहा है, ठीक है। इस पर राइट क्लिक करो तो क्या आ गया, ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। इस पर राइट क्लिक करो तो यहाँ पे क्या आ गया, ऑप्शन में परसेंटेज भी देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, कि भाई मैं कितने परसेंटेज में यहाँ पे काम करने वाले। परसेंटेज दिखा 10, ठीक है, परसेंटेज 10 है, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करता, मैंने यहाँ पे क्या कहता 50 कर देखा, यहाँ पे कुछ काम होता कि नहीं होता, जस्ट क्रॉस चेक करना है पे परसेंटेज, ठीक है। परसेंटेज में यहाँ पे क्या है, ठीक है, इसको मैंने ऑफ किया यहाँ पे, रोटेशन दे तो रोटेशन में ऐसे कुछ काम नहीं करेगा, जस्ट वर्क क्या करेगा यहाँ पे, परसेंटेज के अकॉर्डिंग रेशो पे थोड़ा सा काम करने वाला है पे, ठीक है। तो ये छोटे छोटे ऑप्शन यहाँ पे देखें भाई, 50 पे स्नैप फ्रोजन पे है तो किस टाइप से काम कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इसमें आपका एक स्पिनर करके भी ऑप्शन है, स्पिनर में देखो, स्पिनर में क्या काम करें यहाँ पे, राइट क्लिक करो यहाँ पे, स्पिनर में देखो यहाँ पे, आप राइट क्लिक करते हैं बस क्या मिला है यहाँ पे, ध्यान से देखो, इसको मैंने ऑफ कर दिया यहाँ पे, राइट क्लिक किया मैंने, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्या है, पहला काम यहाँ पे अंडू का लेवल है। अभी आप अंडू कितना कर सकते हो, आपका 20 ही अंडू काम करें, मैंने 50 कर दिया, 500 कर दिया यहाँ पे, ठीक है, हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसके अंदर काफ़ी चीज़ आपको देखने को मिलेगा जो बाय डिफॉल्ट सेटिंग्स है क्या, कि मेरे पास यहाँ पे चीज़ें कैसी है, देखो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे स्पिनर दिख रहा है, ठीक है। स्पिनर में क्या है, ठीक है, स्पिनर में आपके यहाँ पे चीज़ें देख रहे हैं कि भाई कितना है, बाय डिफॉल्ट 3 है, ठीक है। 3 पे कितना काम कर रहा है भाई, ये देखो यहाँ पे, मैं थोड़ा सा अगर बढ़ाऊँ तो मैक्सिमम 10 है, ठीक है। तो इस टाइप से चीज़ों को कैसे मैनेज करेंगे यहाँ पे, देखो यहाँ पे मेरे चीज़ें कम ज़्यादा है, देखो यहाँ पे यहाँ पर चीज़ों को मैं मैनेज कर रहा हूँ, तो मेरे पास किस टाइप से काम करेगा यहाँ पे, ये चीज़ आप एक बार यूज़ स्नैप, स्नैप पे ही काम करने वाला है यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने कहा भाई काम कर, स्नैप ऑन किया मैंने यहाँ पे, देखो यहाँ पे, ठीक है, ये स्नैप पे ही काम करने वाला है। इसको मैं थोड़ा सा रोटेशन पे देखूँ, रोटेशन पे कैसे काम कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसी के साथ मैं अगर थोड़ा सा मैं मैनेज करूँ तो मैं मैनेज कैसे कर सकता हूँ, वही पार्ट मुझे देखना है। कुछ कुछ ऑप्शन है जो हम लोग अभी देखेंगे यहाँ पे। अभी जैसे यहाँ पे देखा एंटर, यहाँ पे एडिट नेम सिलेक्शन सेट, ठीक है। आप कोई चीज़ सिलेक्शन बना के सेट बनाना चाहो तो उसको लिए आपका ये यूज़ होता है कि कैसे हम लोग यहाँ पे क्या काम कर सकते हैं, ठीक है। उसको आप यहाँ से सर्च कर सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे कोई चीज़ हमें सिलेक्शन बनाए तो क्या कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे क्या किया, ठीक है, क्लिक किया यहाँ पे, ठीक है। अभी क्लिक करने में यहाँ पे मैंने यहाँ क्या किया, सेलेक्ट करो यहाँ पे, यहाँ पे ऐड करने से कुछ होगा, मल्टीप्लाई ऐसा कुछ देखना है पे। ये एक सेट है, सेट मैंने यहाँ पे किया, जस्ट एस प्रेस कर दिया मैंने, ठीक है। अभी इसको सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, ये प्लस हो जाएगा क्या, यहाँ पे सेलेक्ट करो यहाँ पे, देखो देखना है पे, ये छोटा सा बॉक्स है, इसे प्लस करने से प्लस होगा क्या, इसको सेलेक्ट करो आप यहाँ से माइनस करने पे, देखो यहाँ पे देखना है, यहाँ पे ऑप्शन आपको समझना है कि भाई कैसा है। दूसरी बात, एस यहाँ पे डाल कुछ होगा क्या, वो सेलेक्ट, तो यहाँ पे क्या है, पहले ग्रुप बनाना है, तो यहाँ पे सेलेक्ट करके हम लोग यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। दूसरी बात, मैं यहाँ पे टाइप करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे वो पूरा पूरा सेलेक्ट हो जाएगा, मुझे एक साथ सेलेक्ट करना है, जैसे मैं चेयर टेबल बनाया तो मैं यहाँ पे काम कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो कुछ कुछ टूल्स हैं यहाँ पे, मिरर है, अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ, मैं अपने बॉक्स को सेलेक्ट करता हूँ, बॉक्स को सेलेक्ट किया तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मिरर कर दिया। मिरर पे कैसे करना है, कॉपी करना है यहाँ पे, देखो यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे मिरर कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। मिरर मैंने यहाँ पे किया, अभी जैसे ऑल्ट क्यों कर लें यहाँ पे, दोनों को सेलेक्ट करो, ऑल्ट क्यों कर लें यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ से मैं मिरर का यूज़ करके देखना चाहता हूँ, तो मिरर में मेरे पास कैसे है, अभी मैंने एक्स पे किया, ठीक है, वाई पे कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ देखो अभी मैं यहाँ पे कॉपी करना, कॉपी हो जाएगा,
इंस्टेंस को इंस्टेंस हो जाएगा। तो ईवीएम में आपको एक्सप्लेन करूँ, पहले कॉपी देखते हैं कॉपी में क्या है, ऐसा कुछ पार्ट कर सकते हैं आप। ठीक है, अभी मैंने अभी क्या किया, सिंपल द पार्ट, टॉप पे गए, टी प्रेस कर दिया टॉप, ये दिख रहा है मेरे पास यहाँ पे। मुझे यहाँ पे क्या करना है, बॉक्स लेना है, बॉक्स लेके मैं पे क्या करता हूँ, इसको मैंने यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, परस्पेक्टिव गए, इसको मैं ऊपर ले गया, ठीक है, स्नैपिंग ऑफ कर देता हूँ, एस शॉर्टकट है स्नैपिंग का, ठीक है, यहाँ पे गए और मैंने यहाँ पे क्या कहा, हाइट को मैंने मैनेज कर दिया पे, ठीक है, ऐसा कुछ मैनेज कर सकते हैं पे, मैनेज कर कोई चीज़ बनाना बना सकते हैं पे। ओके, कोई भी चीज़ को जस्ट बनाना है, प्लेस करोगे तो यहाँ पे क्या किया, स्विफ्ट प्रेस कर दिया यहाँ पे, ठीक है, मैंने यहाँ पे मुझे पाइवेट कैसे लेकर आना है, देखो पाइवेट यहाँ पे चेंज कर, एक पाइवेट चेंज करने का आपको ऑप्शन मिलता है यहाँ पे गए, ठीक है, अफेक्ट पाइवेट, मैंने कहा भाई मुझे वर्टेक्स पे लेके आना है, ये पाइवेट यहाँ पे लेके आना, तो यहाँ पे मैंने स्नैप यूज़ किया, राइट क्लिक करो यहाँ पे, स्नैप कहाँ गया, देखो यहाँ पे वर्टेक्स पे आया, यहाँ पे मैंने इसे ऑफ कर दिया, रोटेशन देना 90 पे देना, तो मैं 90 पे दे सकता हूँ, पता ना एंगल जैसे मैंने अभी किया, ये मैंने कर दिया रोटेशन 90, ऑन करना जरूरी है सर, देखो यहाँ पे ये चीज़ आपको यहाँ पे एग्जैक्ट 90, तो ये चीज़ आप समझोगे तो कैसे होगा, लेफ्ट में गए डब्ल्यू प्रेस कर दिया यहाँ पे, ठीक है, फ्रंट पे गए, ठीक है यहाँ पे, तो कोई चेयर कोई भी चीज़ बना रहे हो तो आप यहाँ पर आराम से मैनेज कर सकते हो, यहाँ पर ये पार्ट दिख रहा है मेरे पास, मैंने ऐसा थोड़ा सा मैंने मैनेज किया, यहाँ पे आ जाओ, ठीक है, स्नैप ये ऑफ कर दिया मैंने हल्का समझ, थोड़ा सा रोटेशन ऐसे भी दें तो ऐसे भी रोटेशन दे सकता हूँ, ठीक मैनेज कर सकता हूँ फिर। तो ये ग्रिड के साथ थोड़ा सा डील करना है मुझे, कोई भी काम करना है तो मैं कैसे क्या काम कर सकता हूँ, बेसिक चीज़ों को यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने क्या हल्का सा स्केल कर दिया, तो स्केल कर सकता हूँ, हाइट वाइज थोड़ा सा बढ़ा दिया मैंने पे, तो चीज़ों को मैनेज किया जा सकता है पे, ठीक है। तो कुछ कुछ टूल्स हैं जिसको हम लोग वन वन करके देखेंगे तो थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि कैसे कैसे क्या क्या काम है। ये देखो ये टूल्स मेरे पास, अगर देखो ये मेरे पास बाई डिफॉल्ट टूल्स आते हैं, ये आपको टूल्स नहीं मिलेंगे जब तक आप वीर इंस्टॉल नहीं करोगे, ये आपका वीर है, आपको इसको कस्टमाइज़ करना, तो कस्टमाइज़ करने के लिए आपको यहाँ पे लेके आ सकते हो, ऊपर नीचे साइड में कहाँ पे भी लो, बगल में दो लाइनें दिख रहे हैं, लेफ्ट क्लिक करके इधर से उधर मैनेज कर सकते हो अपने यहाँ पे, ठीक है। ये काम हमने कर दिया यहाँ पे। अभी इनमें से कुछ कुछ चीज़ें हैं जैसे मैं आपको बताऊँ, जैसे मैंने कहा, जैसे मुझे यहाँ पे देखो, जैसे मैंने मॉडलिंग का तौर से दिखाया, सॉफ्टवेयर इंटरफेस इंटरफेस जैसे था, तो मैंने यहाँ पे क्या बताया इंटरफेस में क्या है, इंटरफेस में जैसे हम लोग जानेंगे तो क्या क्या होता है, ये मेन मेन्यू है, चीज़ों को थोड़ा सा समझने के लिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा छोटा सा एक आइडिया देता हूँ। सो यूआई, ठीक है, सो यूआई में जाओ, सो कमांड पैनल, कमांड पैनल का है ये, कमांड पैनल है, ठीक है। तो हम लोग कहाँ पे जाएंगे, सिंपल द पार्ट, चीज़ों को मैनेज करना है तो कस्टमाइज में गए, सो यूआई कमांड पैनल, कमांड पैनल में क्या होगा, आपका क्रिएट होगा, ठीक है, आपका ज्योमेट्री होगा, लाइट कैमरा सब कुछ यहाँ पे गिवन है, तो कमांड पैनल हो गया यहाँ पे, ठीक है। कस्टमाइज में गए, यहाँ पे गए, यहाँ पे गया, सो मेन टूल बार, मेन टूल बार ऊपर से गायब, जो मेन टूल बार जो आपको मैंने अभी बताया वो सब कुछ यहाँ से गायब हो गया यहाँ पे, ठीक है। सो मेन टूल बार यहाँ वापस आ गया, याद करने का अच्छा तरीका। सो ट्रैक बार, ट्रैक बार यहाँ से गायब, जहाँ हम लोगों ने एनिमेशन दिया वो हमारा ये पार्ट यहाँ से गायब, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे, यहाँ पे मैं चीज़ों को देखूँ तो मुझे यहाँ पे क्या करना, कस्टमाइज गए, यहाँ पे सो मेन टूल बार, यहाँ पे सो ट्रैक बार यहाँ पे आ गया, ठीक है। इसमें गए कस्टमाइज, यहाँ पे गए सो रिबन, रिबन में ये देखो, रिबन में ये क्या मॉडलिंग एडवांस टूल है, मॉडलिंग फ्री फॉर्म सेक्शन ऑब्जेक्ट पॉइंट टूल, ठीक है, पॉपुलेट कैरेक्टर बनाने के लिए, किसी पार्ट पे चलाना हो, आर्किटेक्चर के लिए बहुत अच्छा यूज होता है, गेमिंग के लिए बहुत अच्छा यूज होता है, तो ये भी पार्ट आपका यहाँ पे देख जाता है कि कैसे क्या काम करना है। तो ये आपका पूरा पार्ट आ जाता है यहाँ पे, अगर देखोगे तो देखो सिलेक्ट एंड ऑब्जेक्ट लिस्ट हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट लिस्ट, अगर देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिस्ट हम लोगों ने जो यहाँ पे देखा, यहाँ पे एक सिलेक्ट सीन के लिए यहाँ पे वैसे ही ऑब्जेक्ट लिस्ट है, जो जो ऑब्जेक्ट मेरे पास यहाँ पे गिवन है वो सब कुछ यहाँ पे दिखाया जाता है। ट्रैक बार ये हो गया, ठीक है, ये हमने देख लिया यहाँ पे। ये हमने प्ले करने वाला पार्ट पे देखा कि भाई मुझे एनिमेशन देखना है तो एनिमेशन कैसे करते हैं। ये देखो छोटे से जो पार्ट दिख रहे हैं, ये हमारा नेविगेशन टूल है, ये ऑटो की है, सेट की है, लास्ट टाइम हमने दोनों देखा था कि भाई ऑटो की और सेट की कैसे क्या काम करते हैं यहाँ पर, ठीक है। देन यहाँ पर देखो तो ये सिंपल ट्रांसफॉर्म टूल है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ देखो तो ये स्क्रिप्ट एडिटर है यहाँ पर, ठीक है। तो ये सारा पार्ट आता है आपका यूआई में। उसके बाद अगर हम लोग डिस्कस करें यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है, व्यूपोर्ट, व्यूपोर्ट साइज एंड लेआउट। व्यूपोर्ट साइज क्या, जैसे व्यूपोर्ट का साइज देखो, ये बड़ा छोटा, ये व्यूपोर्ट है मेरे यहाँ पे, इसको छोटा बड़ा कैसे कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ऊपर से यहाँ पे व्यूपोर्ट के यहाँ पे मैनेज करने के लिए यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको पार्ट आता है, यहाँ पे फोर व्यू चाहिए आपको, टू व्यू चाहिए, ठीक है। आपको यहाँ पे कुछ इस टाइप से कस्टमाइज करना है, तो आप जैसे आप कस्टमाइज करना चाहते हो यहाँ पे क्लिक करो, आप यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम लोग यहाँ पे, तो उसके बाद मेरे पास यहाँ पे क्या ऑप्शन है, यहाँ पे
मेन्यूज़ है, मेन्यूज़ हमने देखा यहाँ पे, जैसे फाइल है, फाइल में न्यू कैसे करते हैं, जैसे मान लो मुझे यहाँ पे फाइल पे काम किया, फाइल पे अगर सेव करना है, सेव करो आप यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे कर दिया लाइक मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, क्लास टू यहाँ पे हम लोग देखते हैं यहाँ पे बस चीज़ें कैसे हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखें यहाँ पे जस्ट मैं वापस आया यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे क्या करना, पहले मुझे यहाँ पे सबसे पहले मैं प्रोजेक्ट सेट कर देता, मैं यहाँ पे न्यू है, रिसेट है, ठीक है। यहाँ पे मुझे क्या करना है, ओपन रिसेंट, ठीक है, व्यू इमेज, काफ़ी चीज़ यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। फाइल प्रॉपर्टीज प्रेफरेंस सेट प्रोजेक्ट फोल्डर, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। प्रोजेक्ट फोल्डर मुझे यहाँ पे कहाँ पे क्या काम करना है, जैसे मैंने यहाँ पे कहा भाई मुझे यहाँ पे चलना है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंपल अबाउट यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करें, तो मैनेज कैसे कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। बैचेस में गए यहाँ पे, बैचेस में जाने के बाद यहाँ पे मुझे क्या TTS में गए, TTS में 3-2-4 यहाँ पे क्लास टू यहाँ पे मैंने दिया यहाँ पे, इसके अंदर सीन के अंदर मैं यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता, तो मैंने यहाँ पे कर दिया सीन, ठीक है। फाइल सेवेज करो आप यहाँ पे, तो सेवेज आपका यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सीन के अंदर मैंने यहाँ पे क्या किया, जस्ट बेसिक, बेसिक में कैसे क्या काम करते हैं, बेसिक मैंने यहाँ पे डाल दिया यहाँ पे। बेसिक करने के बाद मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, बेसिक किया मैंने यहाँ पे, बेसिक में मैं अगर चीज़ों को दिखाऊं कि मुझे कैसे ऑब्जेक्ट को मैनिपुलेट करना है, ठीक है। फाइल को अगर मैं न्यू कर देता हूँ तो न्यू ऑल हो गया यहाँ पे। फाइल को ओपन करना है, मैं ओपन कर दूँगा यहाँ पे, ये ऑफिस फाइल ओपन हो गया यहाँ पे, ठीक है। मेन्यू में भी सब चीज़ आपको दिखेगा यहाँ पे, जैसे एडिट में देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मुझे कोई चीज़ डिलीट करना है, मूव करना है, मूव आपके यहाँ पर आ जाएगा, देखें यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, देखो यहाँ पे वही चीज़ आपको यहाँ से भी दिखेगा, मूव रोटेट आप यहाँ पे भी दिखेगा, आपका मेन्यू में आपके पास चीज़ें दिखेंगी कैसे कैसे चीज़ों को आप क्या क्या मैनेज कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। इसको हम लोग वन वन करके देखेंगे यहाँ पे, ओके। इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, मैनेजर फाइल फॉर्मेट एंड ऑपरेशन। फाइल फॉर्मेट जैसे यहाँ पे क्या, जैसे मैं अगर इसको मैं सेव करता हूँ तो मेरे पास फाइल सेव किस में होगा, तो मैं जब फाइल सेव करता हूँ तो ये सेव करने का मेरे पास ऑप्शन था सेव एज, मैंने किया यहाँ पे, तो बेसिक यहाँ पे .max ये फाइल फॉर्मेट है, मैक्स का हमेशा जो फॉर्मेट है वो आपका यहाँ पे, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे सेव किया, जैसे मैंने यहाँ पे बेसिक किया, बेसिक मैंने यहाँ पे यहाँ प्लस क्लिक करूँगा तो वन हो जाएगा अपने आप ऑटोमेटिक, सेव एज पे जाओ, ठीक है, वन आ गया 01। यहाँ पे आपको फॉर्मेट है जो इससे लोअर वर्जन पे दिखेगा, मैं 2018 यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, 15, 16, 17 ये इतने वर्जन में मुझे फाइल ओपन करना, तो मैं सेव कर सकता हूँ उसके अकॉर्डिंग सेव करके, ठीक है। तो जितना अपर वर्जन होगा उसको लो, लास्ट तीन वर्जन में लोअर वर्जन में सेव करके मैनेज कर सकता हूँ। जैसे 2018 की फाइल है तो 2018 में ही खुलेगा, 2019 में नहीं खुलेगा, 2020 में नहीं खुलेगा, ठीक है। कई बार ऐसा भी आता है, ठीक है, लेकिन लोअर वर्जन की फाइल अपन में खुल जाती है, 18 का तो 19 में खुल जाएगा, 20 में खुल जाएगा, लेकिन क्या अगर मैं 20 में काम करूँ, 20 वाली फाइल मुझे 18 में खोलनी है तो नहीं खुलेगा, हाई वर्जन का लोअर वर्जन में नहीं खुलता। तो जैसे 20 में तो मुझे 18 में खोलने में दिक्कत आई, जैसे ही 18 में मैं 17 में खोलूँगा तो 17 में दिक्कत आएगी, तो मैं यहाँ से सेव कर दूँगा 17 के लिए कि भाई 17 वाली फाइल में खुल सके, जो मैक्स है 2017 में खुल सके, तो उसमें हम लोग ये चीज़ों को ऐसे सेव करके मैनेज कर देंगे। यहाँ पर मैंशन कर दूँगा मैं भाई 2017, तो 2017 में ये सेव हो जाएगा, ठीक है, फिर वो मैक्स 2017 में खुल जाएगा। ये कुछ एक ऑप्शन है, ठीक है, चीज़ों को हमने देखा भाई फाइल फॉर्मेट क्या है, ठीक है, ऑपरेशन हम लोग यहाँ पे देखें किस टाइप से चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। बेसिक्स हमने देखा यहाँ पे, बेसिक्स में क्या है, बेसिक्स में जैसे मैंने देखा यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे देखा, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, जैसे यहाँ पे मेरे पास कुछ पार्ट थे यहाँ पे, मैंने लास्ट टाइम कैमरे के लिए देखा था यहाँ पे, ठीक है, कैमरे के लिए अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा देखता हूँ, कैमरे के लिए जैसे रिसेंट फाइल है, रिसेंट फाइल में देखो यहाँ पे रिंग एनिमेशन जैसे मैंने लास्ट टाइम किया था यहाँ पे, ठीक है, जैसे मेरे पास यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने रिंग किया, ऑल्ट क्यू कर दिया, जेड फॉर जूम कर दिया, परस्पेक्टिव में जाओ, जेड फॉर जूम, ठीक है, F3 F4 यहाँ पे सिंपल मुझे कलर चेंज करना है, मैंने यहाँ पे क्या किया, एम्प्रेस किया मैंने यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे सिंपल मटेरियल में अप्लाई कर दूँगा यहाँ पे, एम से मटेरियल हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे, असाइन कर दिया तो मेरे पास यहाँ दिखने लगेगा, जब मैं मटेरियल डालूँगा तो मटेरियल देखना तो कभी चीज़ नहीं देखती यहाँ पे, तो यहाँ पर जैसे सिलेक्शन टूल बताया ना मैंने यहाँ पे, देखो ये सब एक ही में, तो कैसे मैनेज करना है, उसे मैनेज करने का प्रोसेस हम यहाँ पे देखेंगे भाई मुझे कैसे चीज़ों को डील करना है, कि चीज़ों को मुझे अगर मैनेज करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। मूव कर दिया यहाँ पे, यहाँ पे मैंने क्या किया, रोटेशन में गया, रोटेशन में लोग यहाँ पे देख सकते हैं, चीज़ों को मैनेज करना हो तो कर सकते हैं क्या यहाँ पे,